बाड़मेर जिले के बीजराड़ थाना क्षेत्र के कापराव गांव निवासी एक विवाहिता अपने दो मासूम बच्चों के साथ कड़ाके की ठंड में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठी है। इस विवाहिता का क्या मामला है, क्या ऐसी परेशानी है कि दो मासूमों के साथ इसको धरने पर बैठना पड़ गया, इस पूरे मामले को लेकर इस महिला की खुद की जुबानी आप सुन लीजिए कि इस महिला को क्या दिक्कत है। हम लोग मार पीट कर घर निकाल दिया, मोने भाव देज देज मेरे कने हो को नहीं, मेरे माँ बाप है को नहीं, छोटे तो पापा गया प्राण, मम्मी हमें की बड़ी देत होगी, अन्य भाव पैया देज मेरे कन देज है को नहीं, जिन एंड कहो का देर कन पैया देज नहीं हुआ तो तू या मर जा या तलाक दे जो कहूँ, बेर की शादी करूँ, बेर की पट्टी लिखे औरत लाऊँ नौकरी वाली, मैंने चाहिए पैया जिन मैं इनकार करिए, जिन मोने कूट घर निकाल दीना कदी बार बारह महीना ऊन डुकाए बीज डर गया बीज एफ आर दर्ज करी, मैं हूँ परेशान हुई दिन क्या करूँ, दूज आल की मांग धमकियों आ दी सहन हुआ को नहीं, मेरे टाबरों की पढ़ाई रुका दी नहीं, जब उसके आल इन क्या करूँ, मैं हूँ मेरे आत्महत्या करने कोशिश करी, मेरे को मेरे विज्ञापन में लिखियो नोटिस लिखन मैं कलेक्टर साहब दे, मेरे टावर सेव तो रही पर आत्महत्या कोशिश करी, जना आया एसडीएम साहब आया, एसडीएम साहब कहो कि हूँ थारे के दो दिन हूँ ना चार दिन थारे हूँ करवा दे फाइनल केस, आज ये भी आठ तारीख की बात है, आज तारीख हुई है 28, कितना 20 दिन हो गया कोई होयो को नहीं जी तुम्हारे, पाए कहो कि मैं कर दें तेरे कार्रवाई कर दें, कार्रवाई मेरी कोई को करे नहीं, मैं चार बार एसपी ऑफिस आन गई हूँ, दो बार जिला कलेक्टर ऑफिस आन गई हूँ, मैं चार बार कोर्ट जा चुकी हूँ, मेरी कोई कार्रवाई हुआ को नहीं, ना मैंने भरण पोषण कोई देन दे ना मेरी कोई कार्रवाई हुए, नौ बात हूँ परेशान हो चुकी हूँ मैं, ना मैंने भरण पोषण है दे नहीं, मेरे पति धमकियों दे कहते जान से मारने जान से मार दें, तन टाबरों ने पिछली रात मैंने धमकियाँ दी नहीं है, कहते मार दें मेरे हार तीन ही नौकर आदमी है, दो मेरा देवर एक पति है सीआईडी पुलिस में सीआईडी विभाग है सीआईडी ऑफिस में लागूड़ा है, एक चौटन लागूड़ो मेरे देवर पुलिस में, एक लागूड़ो है भाई तू ठीक है, मैं कोई कार्य मतलब कहीं होन दे कौन मारे। ये मीरा देवी है, इसका मुकदमा पहले से ही बिंजरा थाने में दर्ज है और मुकदमा के बाद में इसके अनुसंधान वो SHO सेडवा द्वारा किया जा रहा है, उसमें कानूनी कार्रवाई के निर्देश दे दिए, आज ही मिली थी, इसको हमने आश्वस्त भी किया इसमें जो भी कार्रवाई पुलिस है वो सख्ती से करेगी, जहाँ तक इसको परेशान करने या धमकाने के पति द्वारा या उसके रिश्ते द्वारा तो उसके लिए हमने इज्जती कार्रवाई के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के लिए बता दिया, इसको ढंग से समझा भी दिया, इनका आपस में न्यायालय में भी चल रहा है, इस महिला ने न्यायालय में ये दावा भी कर रखा है भरण पोषण का, वो न्यायालय में विचाराधीन है और पुलिस के स्तर पे जो प्रकरण विचाराधीन है उसमें आगामी 10 दिन में कार्रवाई कर ली जाएगी। इन्होंने ऐसा बताया है वो उस परिवार की हम थोड़ा दिखवा लेंगे, उसकी जाँच करा देंगे, इसका जो देवर है वो वहाँ पे पदस्थापित है चौटन सी ऑफिस में, तो ऐसा कोई इशू अब तक सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी जो इसने तथ्य बताया उसकी हम जांच करें।